आज भलाई के लिए आगे आए हैं तो क्या उसका यही नाम होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया, कोई भी गलत नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का वो सच जो कि आज तक आप तक नहीं पहुंच पाया। हम डायरेक्ट महिलाओं से बातचीत करके जानते हैं आखिर क्या कारण है कि वो आज भी डेरा से जुड़ी हुई है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा बिमला इंसा। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई है? मेरे को देख लो, 95 से जुड़ी हुई है। आप इतने लंबे समय से जुड़ी हुई है माता जी, तो आपने काफी नजदीक से डेरे को देखा होगा, काफी नजदीक से गुरुजी को देखा होगा, तो बताइए कि किस तरह से गुरुजी यहाँ महिलाओं के साथ रहते थे, क्या संबंध उनके थे, क्या व्यवस्था यहाँ महिलाओं को दी जाती है? पूछो मत, घर भी कोई इतनी बात नहीं होती जो यहाँ हमारी इतनी सेवा और इतनी पूछताछ। और धन्य है मेरा गुरु, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। मेरे गुरु ने कैसे कैसे काम किए हैं शायद किसी को ना एतबार हो, लेकिन हम छाती ठोक के बताते हैं। जिसको बेटा नहीं है उसको बेटा भी दिया, जिसके बच्चे नहीं हैं उसको भी परिवार वाला बनाया, भूखे को खाना खिलाया। अपने सब अन्याइयों को यही बात सिखाई। कितनी बहनें ऐसी हैं जो अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पाती, सबकी ऐसी हालात वाले भी आज इतनी खुशी से जी रहे हैं। और मेरे गुरु का धन्यवाद, मेरी जिंदगी छुट्टी पड़ जाएगी उसका धन्यवाद पूरा नहीं हो पाएगा। कितनी बात बताएं कितनी, मगर पता नहीं क्यों लोग विश्वास नहीं कर रहे। हमसे पूछो जब से गए हैं हमारी क्या हालत है, लेकिन क्या करें, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरे गुरु ने एक तिल माने भी कोई खोट नहीं है, कोई खोट नहीं है। माता जी आज भी आपका इतना विश्वास है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी लेकिन थोड़े में बताती हूँ। 94 में मेरे पति गुजर गए थे और मैं ऐसी कंडीशन हो गई थी जैसे लकवे वाला चारपाई पर रखी गई थी। मेरे पड़ोस में 2-3 बहनें थी जो मेरे को उठाकर बरनावा डेरे लेकर गए। ये जो आज मैं बोल रही हूँ मेरे सतगुरु की बदौलत है। बताइए कैसे ना विश्वास करूँ, ये शरीर उनका दिया हुआ है, ये सब हाथ पैर ऐसे थे, कोई उठाकर पिड्डे की तरह उधर रख दे तो उधर, और नहीं तो चारपाई में पड़े तो चारपाई में। क्या भूला जाएगा वो गुरु जिसने ऐसा शरीर दिया दोबारा से? बच्चे पालने की या घर बसाने की तो कोई दिमाग में कोई लोग नहीं बोलता था कि ये इस घर में दीवार लगा लेगी, लेकिन इस सतगुरु की मेहर से। तो क्या आप आगे भी डेरा आती रहेंगी? आते रहेंगे, मेरी 65-66 उम्र हो गई है और जब तक चला जाएगा मैं रुकने वाली नहीं। कोई भी कैसे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे 100 का 100 विश्वास अपने सतगुरु पर। गुरुजी को समाज में होना चाहिए, क्यों नहीं? उन्होंने बुराई खत्म की है, कोई गलत नहीं किया, गलत नहीं किया। उनका जो ये चारों तरफ हाहाकार मची है ऐसा नहीं होना था, अगर काश वो यहाँ होते तो। लेकिन क्या करें, ये तो जिन लोगों ने जो भी सोच बना के कैसे कैसे किया है। गुरुजी के समाज में ना होने से क्या समाज पे प्रभाव पड़ रहा है आप देख रहे हैं? क्या प्रभाव, क्या कोई अच्छे से खा पी रहा बस रहा है? क्या कोई चैन से रह रहा है? हाहाकार नहीं मची है पूरे देश में। हाँ, ये हमारा विश्वास है कि मेरा गुरु ना होने की वजह से सब ये लोग परेशान हैं, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। हाँ, आप अपनी वीडियो द्वारा क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? हम यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे, मेरे गुरु पर उंगली उठाने की जरूरत ना करें, पाप के भागी बनेंगे। जिसने अपना इतना सब कुछ गाल परिवार सब कुछ छोड़ दिया है देश सेवा के लिए, समाज भलाई के लिए आगे आए हैं, तो क्या उसका यही नाम होना चाहिए? नहीं, उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया, कोई भी गलत नहीं किया। सरकार से क्या अपील करोगे? हम यही अपील करेंगे, मेरे गुरु को हमारे हवाले करो, दर्शनों के लिए बड़ी प्यास बड़ी तड़प है,
यही कहना चाहूंगी मैं गवर्नमेंट से। जी माता जी, आपने देखा किस तरीके से माता जी ने बताया क्या है सच्चाई गुरु जी की, वह डेरा सच्चा सौदा की। ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।